नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ शशि प्रिया। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेके आए हैं जहाँ पर कि आपका होगा संपूर्ण हेयर ट्रांसप्लांट। जी हाँ, बालों की समस्या सभी को होती है और जिससे निपटने के लिए हर कोई परेशान रहता है, तो इसी समस्या को देखते हुए आज हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत की। और इस कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पर जहां आपके हेयर का यानी आपके बालों का होगा संपूर्ण समाधान। तो चलिए चल और क्या है करने की कोशिश करते हैं। तो हम अभी पहुंच गए हैं ClinicGen.Next में। जी हाँ, ये वही जगह है जहां पर होगा आपके बालों का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि इस क्लिनिक में और क्या कुछ मौजूद है जिससे आपके बालों का संपूर्ण समाधान होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जानने के लिए, और क्या कुछ है यहाँ पर ये हम जानते हैं। यहाँ पर एक बेहतर व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के तहत मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है। जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं हैं, उनके बाल फिर से वापस आ सकते हैं। ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं और खूबसूरती में बालों की जो भूमिका होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बाल को फिर से कैसे उगाया जाए ये होता है यहाँ पर इस ओटी में। ये है वो ओटी जहाँ पर कि बाल को ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन इसके अंदर प्रवेश निषेध है। इन कपड़ों में हम अंदर नहीं जा सकते, इसके लिए हमें पूरी तरीके से तैयार होना पड़ेगा। तो हम तैयार होते हैं। तो अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, क्योंकि मेरी सेफ्टी का पूरा इंतजाम कर दिया गया है यहाँ पर। ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है इस क्लिनिक में कि आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। तो चलिए अब हम एंट्री करते हैं अंदर ओटी में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा तो इस दरमियान इसी ओटी में आपको आना होगा और यहाँ पर होगा आपके हेयर का पूरा पूरा समाधान। और इस वक्त जब हम ओटी में पहुँचे हैं तो यहाँ पर मौजूद हैं दो टेक्नीशियंस हमारे सामने हैं, जो कि किस तरीके से बालों को उगाना है फिर से उसमें पूरी कोशिश करेंगे, कैसे उसको ट्रांसप्लांट करेंगे और क्या कुछ होगा उन्हीं से जान लेते हैं हम। हमारे साथ है, आपका क्या नाम है? नीरज जी। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। नीरज जी, किस तरीके से ट्रांसप्लांट करते हैं और क्या व्यवस्था होती है टेक्नीशियंस की, इस दरमियान क्या भूमिका होती है टेक्नीशियंस की? असिस्ट कराना होता है, बाल निकालने होते हैं, एक्सट्रैक्शन और फिर लगाना, इम्प्लांटेशन। पूरा स्टरलाइजेशन होता है, ग्लव्स पहनते हैं ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, वो हमें भी ना हो इसमें। और क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके से कुछ नहीं, हानियाँ कुछ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं। सुपरफिशियल सर्जरी है, स्किन पे करते हैं, एक एक बाल लगाते हैं, वो स्किन पे ही होता है, उसमें नीचे कुछ नहीं होता, तो इससे कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। कम से कम वो तो पेशेंट पे डिपेंड करता है किसका कितने ग्राफ लगाने हैं कितने में, अगर मैक्सिमम फिर भी 6 से 7 घंटे लग जाते हैं अगर छोटा केस होता है तो। 6 से 7 घंटे लगते हैं। अभी हम आपको वो पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर प्लांटेशन किया जाएगा बालों का। चलिए, तो जिसका हमें इंतज़ार था, हमने आपको इसके पहले दिखाया कि मरीजों को लंच ब्रेक भी मिलता है। तो जिस तरीके से ये जो प्रक्रिया चल रही थी इसमें अभी आधी प्रक्रिया हो चुकी है और जो पेशेंट हैं वो बाहर निकल चुके हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि अब तक का उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, क्योंकि ये जो 2-3 घंटे का
जो प्रक्रिया चली है इसमें इन्होंने क्या महसूस किया, खुद जान लेते हैं पेशेंट से। जी कैसा है? अभी तो मेरा फर्स्ट प्रोसीजर एक्सट्रैक्शन हो चुका है, अभी मैं लंच के लिए बाहर आया हूँ, अभी कोई पेन नहीं है। सेकंड प्रोसीजर का लंच स्टार्ट होगा। आपने सुना कि अभी कोई पेन नहीं है, यानी कि बिल्कुल पेनलेस होता है ये, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नेचुरली वे में आपके बाल उगेंगे, तो आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपकी खूबसूरती एक बार फिर से वैसे ही प्राकृतिक हो जाएगी जैसे ईश्वर ने आपको दी थी। और यहाँ पर लंच ब्रेक हुआ है इस वक्त, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, और ये लंच ब्रेक किसी भी सिचुएशंस में हो सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा मन घबरा रहा हो या फिर आप थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे हो, तो वहाँ पे डॉक्टर आपको ब्रेक दे देते हैं। इसलिए ज़रा भी यहाँ पर आने के बाद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आराम से ये पूरा ट्रीटमेंट होता है, पूरा प्रोसीजर जो, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन तक ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही स्मूथली चलती है। तो दर्शकों, जिस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांटेशन का काम चलता है और किस तरीके से इसे आप पूरी प्रक्रिया के साथ देख सकते हैं, ये दिखाने की हमने पूरी पूरी कोशिश की है इस वीडियो में। अब जरा हम डॉक्टर से भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया किस तरीके से पूरी की जाती है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, कुणाल सिंह, जो कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के सर्जन हैं और कि बहुत ही नामी डॉक्टर हैं ये, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ट्रीटमेंट करते हैं मरीजों का। बहुत बहुत स्वागत है आपका कुणाल सिंह जी। कुणाल जी, आप इतने साधारण तरीके से लोगों को हैंडल करते हो, ऐसा लगता ही नहीं है कि एक डॉक्टर हमारे सामने बैठा है। क्योंकि जब भी हमारे मन में एक डॉक्टर की छवि आती है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा होगा, कैसे बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें आप में देखने को नहीं मिलती। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है, इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये आपने जो यहाँ पर हासिल किया है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। और दूसरी चीज़ ये कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन और FUE होता है, ये वाकई में होता क्या है और इसमें अंतर क्या है? एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर हम डोनर एरिया से सिंगल सिंगल ग्राफ्ट उठाते हैं। इससे होता क्या है कि पहले FUE होता था जिसमें हमें स्किन कैंसर की थी, इससे डोनर है वो वंस फॉर ऑल खत्म हो जाता था और उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट ही निकल पाते थे और उसमें स्कार लीनियर स्कार पीछे डोनर एरिया से आ जाता था। इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि हम सिंगल सिंगल ग्राफ्ट उठाते हैं, इससे हीलिंग बहुत अच्छी होती है और रिजल्ट बहुत बढ़िया है। ये तो बढ़िया रिजल्ट की बात कह रहे हैं और वाकई में रिजल्ट बढ़िया होता है। हमने आपको उस पेशेंट से भी मिलवाने की कोशिश की जिसका कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी, और आपने देखा कि कितना खुशनुमा माहौल है इस क्लिनिक का। आगे हम ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पर जो ग्राफ्ट होता है उसमें पॉलिसीज क्या है और इसके बारे में क्या कुछ जानते हैं आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि दर्शकों को ये हमेशा रहती है कि पता नहीं क्या होगा, थोड़ी सी परेशान से लगते हैं। एक्चुअली एक बहुत साधारण प्रक्रिया है जिसके अंदर हम डोनर एरिया से सिंगल सिंगल ग्राफ्ट उठाते हैं। ग्राफ्ट का मतलब होता है एक मॉलिक्यूलर यूनिट, इसका मतलब कि हम एक ग्राफ्ट उठा रहे हैं, बंच उठा रहे हैं पॉलिकल्स का, जिसमें एक ग्राफ्ट भी हो सकता है सिंगल पॉलिकल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ एयर ग्राफ्ट ऑफ अ पेशेंट। तो जितने ज़्यादा ग्राफ्ट होंगे पॉलिकल्स होंगे सिंगल ग्राफ्ट में, उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। इतना बढ़िया, अलग अलग जगहों पर अलग अलग, अगर हम बात करें किस तरीके से वहाँ पर जो जगह होता है जहाँ से आप हेयर निकालते हैं उसको किस तरीके से करते हैं, कितना वक्त लगता है उसमें? ये डिपेंड करता है हम कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट लगा रहे हैं। अमूमन हार्वेस्टिंग, जो हम डोनर एरिया से ग्राफ्ट निकालते हैं उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं, और इसमें 2 घंटे से लेकर 3.5 घंटे तक का समय लगता है। अब अगर हम बात कर लें पैसों की, क्योंकि पैसा बहुत ही ज़रूरी है और दर्शक ये जानने के लिए काफ़ी समय से उत्सुक होंगे कि आखिर क्या खर्च होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग खर्च होते हैं, वैसे में यहाँ पे क्या है और इसका क्या कुछ पूरा जो क्राइटेरिया है वो है? प्राइसिंग का आजकल बहुत ज़्यादा वेरिएशन है मार्केट के अंदर, बट अगर आप क्वालिटी काम कराना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि जनरली मार्केट में चल रहा है वो 15 रुपीज़ पर ग्राम है, जो कि मैं मानता हूँ बहुत ही हैंडसम। कुछ क्लिनिक्स हैं जो कि बहुत ही कम अमाउंट में कर लेते हैं बट वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते, तो
अगर हम क्वालिटी की बात करें तो दिस इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव है एंड 15 हफ्ते के अंदर हम बेस्ट टू बेस्ट अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो ये हमने आपकी क्लिनिक में देखा कि किस तरीके से पेशेंट को और बेहतर दिया जा सके, ये यहाँ पर देने की पूरी पूरी कोशिश होती है। दूसरी चीज़ ये निकल कर सामने आती है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या कुछ हो सकते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। जनरली ट्रांसप्लांटेशन एक सुपरफिशियल प्रोसीजर है कि इमीडिएट साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। साइड इफेक्ट हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसमें कई बार रैशेज आ सकते हैं, थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ सकती है और पॉलीप्लाइटिस यानी जहाँ से हम बाल लेते हैं वहाँ पे कई बार थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है जो कि क्योरेबल है। इसके लिए हम पहले ही मैनेज करके चलते हैं पेशेंट को एंटीबायोटिक्स और एक स्टरलाइज इन्वायरमेंट में हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो जनरली मेरी प्रैक्टिस में ना के बराबर पेशेंट को परेशानी होती है। क्या ये जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है ये नेचुरल लुक देता है? बिल्कुल, ये आपके अपने बाल होते हैं और हम हमारी खासियत ये है कि हम हेयरलाइन बहुत अच्छी बनाते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल लगती है। हाँ। आप अगर हमारे केसेस देखेंगे तो आप कह नहीं सकते पाएंगे कि ये पेशेंट ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। 2-3 पेशेंट्स को हमने अभी देखा है जिनका कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था यहाँ पे और बहुत ही बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिला है। हम आपको वो तस्वीरों के जरिए भी दिखाएंगे और भी जो जानकारी है वो हम जान लेते हैं कि क्या कुछ और हो सकता है। ये पेनफुल होता है? ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। पेन जब हम पहले देते हैं बस इसी का पता चलता है, एक बार नम हो जाए एरिया उसके बाद कुछ होता रहता है तो पेशेंट बहुत ही कम्फर्टेबल रहता है, रिलैक्स रहता है। उसको अगर बीच में ब्रेक चाहिए तो हम ब्रेक भी दे सकते हैं तो लंच ब्रेक भी होता है तो जनरली पेन नहीं होता। यानी कि बहुत ही आराम के साथ आपका ये जो ट्रांसप्लांटेशन का काम होता है वो किया जाता है जिसमें आप बिल्कुल नॉर्मल वे में अपने घर में जैसे होते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर होते हुए आपका हेयर है उसका ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा और वो बेहद ही खूबसूरत वे में बिल्कुल नेचुरल दिखने लगेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे प्राकृतिक होते हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगी मैं डॉक्टर कि हेयर की तो बात हो गई, सर के बाल उगाए, क्या आप दाढ़ी का भी प्लांटेशन करते हैं? जी हम दाढ़ी का भी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं और दाढ़ी का ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है तो उसमें हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है एंगुलेशन का और हेयर ग्राफ की डायरेक्शन का, तो वो ज़्यादा ट्रिकी है वो बड़े ध्यान से करना पड़ता है। लेकिन हमारी टीम में बहुत अच्छे लोग हैं जो कि बहुत ही अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी हम लोग कर देते हैं। एक चीज़ और निकल कर सामने आ रही है, जब आप इतना बेहतर रिजल्ट देते हो जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि कुछ मरीजों को हमने देखा, क्योंकि हम यहाँ पर पिछले 8 घंटे से मौजूद हैं और पूरी प्रक्रिया को देखा है ताकि हम आपको दिखा सके कि वाकई में क्या सच्चाई है और जो सच सामने निकल कर आया है वो हमने आपके सामने वीडियो के माध्यम से रखने की कोशिश की है। इस दरमियान जब यहाँ की व्यवस्था हमने देखी तो हमें लगा कि नहीं यहाँ पे लोग भी आते हैं और काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, ऐसे में जो बाहर से दूर दराज से लोग आते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने कुछ केसेस देखे जम्मू कश्मीर वगैरह से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो फिर वो दूर के जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था होती है? हमारे पास जम्मू कश्मीर पूरे नॉर्थ इंडिया से काफ़ी पेशेंट आते हैं जो कि हमने कभी एडवर्टाइज नहीं किया, बस वो वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं तो उनके लिए हम लोग जो दूर से आते हैं उनके रहने की खाने की व्यवस्था हम अपने उनके प्रोवाइड करते हैं उनको और उनको बिल्कुल घर जैसा माहौल प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते हैं सो दैट उनको ये ना लगे कि हम किसी क्लिनिक में आए हम अपने प्रदेश से बाहर आए, तो उनको एक घर जैसा माहौल देने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया कुणाल जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी अहम जानकारी दी। अगर आप भी चाहते हैं कि एक बार फिर से खूबसूरत दिखे तो ज़रूर आइए यहाँ पर और ये एक बहुत ही बढ़िया क्लिनिक है और इस क्लिनिक में आने के बाद आपको बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा जैसा कि खुद डॉक्टर बता रहे हैं। तो आपको एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए और अपनी प्राकृतिक सुंदरता अगर आप खो चुके हैं तो एक बार फिर से पा लीजिए। तो नेक्स्ट 9 न्यूज़ विशेष में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। तो आपने सुना डॉक्टर कुणाल ने क्या कुछ कहा कि ये जो प्रोसेस चल रहा है वो किस तरीके से ये काम को आगे बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद पूरा प्लांटेशन का काम होगा और इसके बाद
इसमें काफ़ी लंबा वक्त लगता है, करीब 6 से 8 घंटे का वक्त लगता है, यानी मरीज को सुबह ही आ जाना है क्लिनिक में और उसके बाद फिर दोपहर में एक लंच ब्रेक हो जाता है। आप अगर यहाँ पर इतना लंबा समय देंगे तो आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लंच ब्रेक भी होता है और लंच ब्रेक पर जाने के बाद में उसके बाद फिर से आगे की जो कड़ी होती है उसे आगे बढ़ाया जाता है, आगे का प्रोसेस किया जाता है और ये बहुत ही बढ़िया और एक बेहतर प्लांटेशन निकल कर सामने आता है जिसके बाद अच्छे हेयर निकलते हैं और आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आपके बाल एक बार फिर से आ गए हैं बिल्कुल नेचुरली। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है इस वक्त, इसमें 1 घंटे का टाइम लगता है, तो फिलहाल ये प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद लंच ब्रेक होगा और लंच ब्रेक होने के बाद जो पेशेंट है उन्हें खाना खिलाया जाएगा और उसके बाद फिर से अगला प्रोसेस शुरू होगा। फिर से हम ओटी में उपस्थित हैं, स्ट्रैप शीट्स में हो चुके हैं, एक बार फिर से हम ओटी में मौजूद हैं और सेक्शंस हो चुके हैं और अब प्लांटेशन का काम चल रहा है। तो हम आपको एक बार फिर समझाना चाहेंगे कि आप देखिए किस तरीके से प्लांटेशन का काम होता है और ये जो प्रक्रिया है ये अंतिम प्रक्रिया है और हम प्लांटेशन सारी जानकारियां हासिल कर ली। अब जरा हम जान लेते हैं कि जब हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मरीजों को किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। जनरली कोई स्पेशल प्रिकॉशन लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम पहले ही मेडिकेशन के द्वारा वो सारी पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशन आने वाली होती है उनका ध्यान रखते हैं। फिर भी हमें 3 दिन तक हम लोग बैंडेज लगा के रखते हैं और उसमें हम आपको एक स्प्रे बटन देते हैं जो कि आपको हर घंटे अपने सर पे जहाँ ड्रॉप लगे हैं वो आपने स्प्रे करना है। मेडिकेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, 3 से 5 दिन का मेडिकेशन होता है वो आपको टाइम टू टाइम लेना पड़ता है और 3 दिन के बाद आपको हम हमारे यहाँ रिपोर्ट करना होता है और हम एनालाइज करते हैं कि फर्दर आपको मेडिकेशन की जरूरत तो नहीं है जी और बैंडेज करके आपको फर्दर जी। हमारे इतने सारे व्यूवर्स देख रहे हैं आपको, उन्हें भी लग रहा हो कि वो आपके पास आए और संपर्क करें जिन्हें इस तरीके की परेशानी है और वो काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे हैं, ऐसे में अगर वो आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे करेंगे? आप देख सकते हैं इस वीडियो में हमारा लिंक दिया होगा, नीचे टेलीफोन नंबर और एड्रेस दिया होगा, हमारा कॉल सेंटर 24 घंटे ओपन रहता है, आप कभी भी हमें कॉल करिए, आपको विद इन 12 आवर हम आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे।